एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग जो संविधान की अनुसूची है, तो संविधान की अनुसूची को एक सॉन्ग के माध्यम से याद करेंगे, ताकि जो है आप कभी भी फिर अनुसूचियां ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहां पर शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, और एक सॉन्ग है उसे के माध्यम से ही आप अपनी अनुसूचियों को याद कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आपको सारी अनुसूची याद हो जाएंगी। तो बात करते हैं अपने संविधान की, यानी कि भारतीय संविधान की। तो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ था, और उस टाइम की बात की जाए तो इसमें कुल जो है 8 अनुसूची थी, जो अनुसूची थी वो 8 थी, और भाग की बात की जाए तो इसमें जो है टोटल 22 भाग और 395 अनुच्छेद के साथ जो है 395 अनुच्छेद के साथ जो है आपका जो है संविधान जो है पारित हुआ था। अब बात करते हैं अनुसूची की। तो अनुसूची जो है आपकी, जो जब संविधान पारित हुआ तो उस टाइम 8 अनुसूची थी, और प्रेजेंट टाइम में आपकी जो है 12 अनुसूची हैं प्रेजेंट में। अब इन अनुसूचियों को किस प्रकार से आपको याद करना है वो चीज़ आपको देखो, एक गाना है उसके माध्यम से आपको याद करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आते हैं अनुसूची वन में। तो एक अनुसूची को आप कैसे याद करेंगे, तो अनुसूची जो है आपको एक कैसे याद हो, तो एक गाना है उसके माध्यम से याद करेंगे। एक है अनुसूची, यहाँ पर आप एक का मतलब है जो है पहली अनुसूची, यानी कि प्रथम अनुसूची मान के चलेंगे। तो एक राज्य ने संघ बनाया, और यानी कि जो पहली अनुसूची है उसमें आपका क्या है, संघ, और संघ शासित यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको रखा गया है। दो, तो दो में क्या है, दो ने मिलकर वेतन पाया, यानी कि जो आपकी अनुसूची दो है उसमें जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, जो लोग हैं उन सभी के वेतन के बारे में रखा गया है। और अब बात करते हैं अनुसूची तीन की। तो अनुसूची जो है तीन में क्या है, तो वो आपको कैसे होगा याद, तीन बार शपथ लेके। अब आपको अनुसूची चार याद करनी है, यानी कि तीन में आपका शपथ ग्रहण हो गया, चार सीटों को बंटवाया, यानी कि जो चौथी अनुसूची है उसमें सीटों का बंटवारा दिया गया है। अब पांचवी अनुसूची पे आते हैं, तो 5 SC ST साथ लिए, 5 SC ST साथ लिए, यानी कि जो पांचवी अनुसूची है उसमें आपके जो है SC ST जो यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। बात करते हैं छठवीं की। तो छठवीं जो छठवीं अनुसूची है वो छठवीं मातम साछाया, छठवीं मातम सा छाया। अब ये मातम क्या है, तो मातम जो है जो एम बनी है यहाँ पे मेघालय, असम, और टी से त्रिपुरा हो जाएगा, और इसके साथ साथ मिजोरम। तो ये आपका मातम का फुल फॉर्म हो गया है, छठवें मातम सा छाया। सातवीं को बांटकर, सातवीं को बांटकर, यानी कि बांटा किसमें गया है, तो सातवीं को संघ, राज्य और समवर्ती सूची में बांटा गया है, समवर्ती सूची में बांटा गया है सातवीं को। अब बात करते हैं आठवीं की।
तो आठ को लपेट कर, आठ को लपेट कर 22 भाषाओं में समझाया, यानी कि जो आपकी आठवीं अनुसूची है उसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो आठ भाषाएं हैं, आठ भाषाओं में समझाया। तो ये हो गई अब आपकी आठवीं अनुसूची। अब बात करते हैं नौवीं की, तो नौवीं में संपत्ति चुराई, नौवीं में संपत्ति चुराई, दसवीं में दल बदलू बुलाए, दसवीं में दल बदलू बुलाए, यानी कि जो नौवीं अनुसूची है उसमें आपकी जो है संपत्ति के बारे में बताया गया है, संपत्ति के बारे में नौवीं अनुसूची में बताया गया है, और दसवीं में आपका जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है वो आपकी दसवीं अनुसूची में है। ग्यारहवीं यानी कि जो ग्यारहवीं अनुसूची है उसके बारे में देखेंगे, तो ग्यारहवीं को पंचायत बुलाई, को पंचायत आए या पंचायत बुलाई कर लेंगे आप, ग्यारहवीं को पंचायत आए, बारहवीं को नगर निगम का प्रावधान आया, नगर निगम का प्रावधान आया। अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान जो आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आया था, उस टाइम जो है 8 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। अनुसूची की बात की जाए तो उस टाइम 8 अनुसूची थी और प्रेजेंट समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आप इसे पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, तो पहले पहली अनुसूची पढ़ रहे हैं, तो एक राज्य ने संघ बनाया, यानी कि एक, एक से एक में आपका जो है संघ का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में दो ने मिलकर वेतन पाया, तो दो अनुसूची में सभी पदाधिकारियों के वेतन से उल्लेख किया गया है। तीन बार शपथ लेके, तीसरी अनुसूची में आपका शपथ ग्रहण से संबंधित जो है उल्लेख किया गया है। चार सीटों को बंटवाया, चार में आपकी जो है राज्य और संघीय क्षेत्रों के जो है सीटों का बंटवारा दिया गया है। पाँच एससी एसटी साथ लिए, जो पांचवीं अनुसूची है उसमें आपके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छः में मातम साथ छाया, मातम से मतलब है मेघालय असम त्रिपुरा मिजोरम, और सातवीं को बांटकर, तो सातवीं में आपका जो है संघ राज और संवर्ती सूची में इसको बांटा गया है। आठ को लपेट कर 22 भाषाओं में समझाया, यानी कि जो आपकी आठवीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। नौवीं में संपत्ति चुराई, जो नौवीं अनुसूची है उसमें संपत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। दसवीं में दल बदलू बुलाए, जो दसवीं अनुसूची है उसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ग्यारहवीं को पंचायत आए, जो ग्यारहवीं अनुसूची है उसमें 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है, और इसकी बात की जाए तो इसमें टोटल 29 विषय हैं, 29 विषय हैं आपकी 11वीं अनुसूची में। और 12वीं को नगर निगम का प्रावधान आया, यानी कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें आपके नगर निगम का प्रावधान दिया गया है, नगर निगम से संबंधित, और इसमें जो है टोटल बात की जाए तो 18 विषय हैं आपके 12वीं अनुसूची में, 18 विषय हैं, और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था, और ये आपका जो है 11वीं अनुसूची जो है ये 73वें संविधानिक संशोधन के द्वारा आई थी। तो इस प्रकार से अनुसूची से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी, और इस प्रकार से आप गाना याद करके इसको याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से और कभी ना भूलने वाली अनुसूचियाँ आपको याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।